हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं एंटो 311, पॉलीफेगस पेस्ट, स्टोरग्रेन पेस्ट एंड क्रॉप पेस्ट। पॉलीफेगस अपने कंप्लीट हो गए थे, स्टोरग्रेन चल रहा है, उसके अंदर आपने स्टोरग्रेन के अंदर 3 से 4 इंसेक्ट अपने कंप्लीट हो गए हैं। आज का अपना इंसेक्ट रहेगा पल्स बीटल का, कि दालों का घुन। तो इसके अंदर जो अपने टॉपिक पढ़ते हैं, पहले उसका लिख लेते हैं कॉमन नेम, सेकेंड क्लासिफिकेशन, स्पीसीज हो जाएंगी इसकी, क्योंकि आपके सिलेबस में इसके स्पीसीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बाकी में हम स्टोर ग्रेन के अंदर इतनी ज़्यादा स्पीसीज नहीं है, ये मैंने टॉपिक नहीं लिखता, इसके अंदर अपनी स्पीसीज लिखी गई हैं। डैमेज एंड सिम्टम, लाइफ साइकिल, मैनेजमेंट, तो सबके ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। पल्स बीटल हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान रखना, इसको बोलते हैं दालों का घुन। कॉमन नेम के अंदर आ जाता है जी, अपने एरिया के अंदर जो कॉमन नेम इसका चलता है उसको बोलते हैं ढोरा, ठीक है। तो पल्स बीटल का कॉमन नेम अपने एरिया के अंदर अगर अपने बात करें तो ज़्यादातर पंजाबी लोग इसको ढोरा के नाम से जानते हैं, और धनुर और चिरैया भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाइए जी फाइलम, आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर कॉलियोपटेरा, फैमिली जीनस और स्पीसीज। तो देखो, ऊपर वाले जितने भी आपने इंसेक्ट पढ़े हैं उसके अंदर फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर कॉलियोपटेरा ही रहेगा स्टोरग्रेन बीटल के अंदर। फैमिली इसकी होती है लैरिडी, और जीनस कोलोसोब्रंकस या कोलोसोब्रुकस बोलते हैं कई लोग, चिनेंसिस। तो फैमिली है इसकी लैरिडी, क्लोसोब्रुकस, और स्पीसीज होती है सी स्मॉल आएगा, चिनेंसिस, इन दोनों को अंडरलाइन कर देंगे। तो ये इसका क्लासिफिकेशन रहेगा। वापस आप देख लो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर कॉलियोपटेरा रहेगा, फैमिली रहती है लैरिडी, जीनस कोलोसोब्रुकस, स्पीसीज है चिनेंसिस। अब एक स्पीसीज तो देखो, अगर अपने इसके बात करें स्पीसीज की जातियां, तो मेजर इसकी 3 जातियां पाई जाती हैं, 3 में से एक तो यही होगी कि कोलोसोब्रुकस चिनेंसिस, एक होगी। सेकंड हम अगर बात करें इसकी, तो कोलोसोब्रुकस जीनस सेम रहेगा, स्पीसीज ही चेंज होगी, मैक्यूलेटस और एनालिस। एक मैक्यूलेटस होगी और एक होगी एनालिस। तो 3 स्पीसीज पाई जाती हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ भी जाएगा कि पल्स बीटल की स्पीसीज आपको लिखनी है, तो कितनी स्पीसीज हैं, 3 स्पीसीज पाई जाएंगी, कोलोसोब्रंकस चिनेंसिस, ये सेम रहेगा जीनस। तो स्पीसीज के अंदर जब भी आप स्पीसीज लिखोगे, कोलोसोब्रंकस चिनेंसिस और मैक्यूलेटस और एनालिस, तो 3 स्पीसीज पाई जाती हैं पल्स बीटल की। नेक्स्ट अपने चलते हैं डैमेज एंड सिम्टम की ओर। और इसके बाद एक और आप ऐड करना, हॉस्ट ग्रेन रह गया जी, हॉस्ट ग्रेन, ये 4th आ जाएगा, 5th टॉपिक आ जाएगा।
हाँ जी, तो हॉर्स ग्रेन क्या है? पल्स बीटल है, जितने भी आप स्टोर करके रखते हो सीड को उनका है। तो किसका है? दालों का गुण है। जितनी भी दालें आती हैं, चाहे मूंग की है, अरहर की है, उड़द की है, तो सबकी दालों के ऊपर इसका अटैक होता है पल्स बीटल का, तो वो हॉर्स ग्रेन में आ जाएगा। डैमेज एंड सिम्टम की अगर अपने बात करते हैं, क्षति और महत्व की, तो देखो कॉलियोपटेरा का जो ऑर्डर है उसके अंदर जितने भी इंसेक्ट आते हैं क्या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, तो उसके अंदर ये अपने लाइफ साइकिल में जो लिखते हैं कि एग, ग्रब, प्यूपा और एडल्ट, तो इसके अंदर डैमेज एंड सिम्टम के अंदर ग्रब और जो इसके एडल्ट है, मतलब जो इसका लार्वा है या जिसको ग्रब बोलते हैं, ग्रब और इसके जो व्यस्क हैं दोनों के ही काटने और चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं, और काटने और चबाने वाले मुखांगों के कारण ये दोनों ही ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन ज़्यादा नुकसान करता है वो है ग्रब। ग्रब ज़्यादा नुकसान करेगा, तो डैमेज एंड सिम्टम के ऊपर हमारा जो फोकस रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा। तो एडल्ट की अगर बात करें तो एडल्ट जो होते हैं वो या तो खड़ी क्रॉप के ऊपर भी अटैक कर देते हैं और जो स्टोर करके रखते हो उसके ऊपर भी इनके अटैक देखने को मिलता है। तो मतलब दोनों जगह पे, बाहर खड़ी फसल पे भी और जो आपने स्टोर करके रखा है सीड उसके ऊपर भी इसका अटैक देखने को मिलता है। देखो खड़ी फसल पर अटैक करते हैं तो कैसे होता है? देखो जो एडल्ट होते हैं वो खड़ी फसल पे आके ही अंडे देना, पत्तियों के ऊपर, बाली के ऊपर अंडे देना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद जब ग्रब निकलता है तो वो बाली के अंदर चला जाता है, पोड के अंदर चला जाता है, सीड के अंदर जाके उसका जो ग्रब होता है वो बैठ जाता है, और उसके बाद क्या होता है, वो जहाँ से एंट्री करेगा जो पोर बनता है वो सीड का वो बंद हो जाता है। बाहर से देखने में जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं, बाहर से देखने पर आपको जो सीड है प्रॉपर हेल्थी दिखाई देगा। आप हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको घर पे ला के स्टोर कर देते हैं जो, तो उसके अंदर ही आपके वो जिसमें भी आप स्टोर करके रखते हो ड्रम के अंदर या थोड़े सीड को आप स्टोर करते हो तो उसके अंदर भी चला जाता है, और उसके अंदर फिर प्यूपा और एडल्ट बन के बाहर आता है, फिर से एगलिंग का काम स्टार्ट कर देता है और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेता है। तो जो ग्रब है ये काटने और चबाने वाले मुखांगों की हेल्प से दाने को खाना स्टार्ट करता है, और पूरे के पूरे दाने को ये अंदर से भी खा जाता है और बाहर से भी खाएगा। तो उससे क्या है कि उसके जो वेट के अंदर भी लॉस होगा और उसका जर्मिनेशन भी खत्म हो जाएगा, कि प्रॉपर पूरे का पूरा जो सीड है वो खत्म हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरे इसके अंदर अपने को बात याद रखनी है कि इसी के अंदर बात आती है कि डैमेज और सिम्टम के अंदर कि इसका नाम जो है कोलोसोब्रोंकस या कोलोसोब्रुकस चेनेंसिस जो नाम है क्यों पड़ा, क्योंकि देखो सबसे पहले ये वाला जो इंसेक्ट है चाइना के अंदर डिस्कवर हुआ था, कि चाइना के अंदर इसका अटैक सबसे पहले देखने को मिला था, तो इसके कारण इसका नाम पड़ गया कोलोसोब्रुकस चिनेंसिस, चाइना के कारण चिनेंसिस इसका नाम पड़ा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी जी डैमेज एंड सिम्टम के अंदर। अब अपने को पढ़ना है इसका नेक्स्ट लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल के अंदर आइए जी, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, पहली बात होगी। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर एग, ग्रब, प्यूपा और एडल्ट है। डैमेज एंड सिम्टम के अंदर अभी आपने पढ़ा था, उसके अंदर एक बात और ऐड कर लेना कि ये 30-50% लॉस इससे देखा गया है, कि अगर इसका ज़्यादा अटैक हो जाता है तो हानि प्रतिशत जो है कि पूरे का पूरा लॉस जो परसेंटेज होती है वो 30-50% आपकी फसल ख़राब हो सकती है, जो आपने स्टोर करके रखे हैं पल्सेस वगैरह वो ख़राब हो जाती हैं। लाइफ साइकिल में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, पूर्ण कायांतरण है, पूर्ण कायांतरण के कारण चार फेजेस में सर्वाइव करेगा, एग ग्रब प्यूपा और एडल्ट के बारे में। तो हम सबसे पहले एग की बात करते हैं, तो एग के अंदर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर जितने भी स्टोर ग्रेन बीटल पढ़ाए हैं, बात बताइए कि आपको कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस रखना है। एग होंगे वो सिंगल सिंगल दिए जाएंगे, इसमें एग का जो नंबर है सिंगल सिंगल दिया जाएगा। पोजीशन कहाँ है, अंडे देने की जगह कहाँ है, लोकेशन कहाँ दिए जाते हैं अंडे, तो अंडे या तो पत्तियों के ऊपर दिए जाएंगे या सीड के ऊपर दिए जाएंगे, मतलब खड़ी क्रॉप के ऊपर अगर अटैक होता है तो उसकी पत्ती या पोड़ के ऊपर बाहर दे दिए जाते हैं। अगर आपके स्टोर ग्रेन के अंदर आपकी जो दालें स्टोर करके रखी गई हैं वहाँ अगर इसका अटैक होता है तो ये सीड के ऊपर अपने अंडे दे देते हैं, और अंडे देने के बाद एक लिक्विड जो सब्सटेंस है एक लिक्विड वहाँ पे छोड़ते हैं, और उस लिक्विड से मान लो कि वो सीड है वो दाने से जो सीड है सॉरी जो एग है वो सीड से
ऐसे एडहेसिव जो लिक्विड होता है उससे चिपक जाते हैं। उसके बाद उसी अंडों से ग्रब निकलता है और जो उसका खोल होता है प्रॉपर एग का बाहर वाला, वो वहीं रह जाता है एग के साथ ही। तो अंडे हैं वो सिंगल सिंगल करके दिए जाएंगे, सीड के ऊपर या पोड के ऊपर या लीफ के ऊपर दिए जाते हैं अंडे। नेक्स्ट इसके अंदर बात आती है, ये 4 से 5 दिन के बाद हैचिंग करते हैं। अगर आपको अडेप्टेटिव एनवायरनमेंट मिल जाता है तो ये 4 से 5 दिनों के बाद फूटते हैं या हैचिंग कर लेते हैं और एक फीमेल अपने लाइफ साइकिल के अंदर 60 से 100 अंडे देती है। तो एग नंबर कितना है जी, 60 से 100 एग्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा कि कितने बार कितने दिनों में, 4 से 5 दिनों के अंदर इसके अंदर हैचिंग हो जाती है। अंडे सिंगल 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 दिए जाएंगे और टोटल लाइफ साइकिल के अंदर 60 से 100 एग्स दिए जाते हैं लेइंग के अंदर, और 4 से 5 दिन के अंदर इसकी हैचिंग हो जाती है। और हैचिंग होने के बाद इससे क्या निकलते हैं, ग्रब निकलते हैं। ग्रब के अंदर मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि ग्रब के अंदर मेन जो आपको याद रखना है कि ग्रब के अंदर कितने बार मॉल्टिंग होती है, कि जो ग्रब है वो जब ग्रोथ करता है तो उसके अंदर कितने बार मॉल्टिंग होती है और कितनी मॉल्टिंग के बाद वो किस में चेंज हो जाता है, प्यूपा के अंदर चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर अपने देखना है कि जो ग्रब है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, काटने और चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं जिसके कारण वो फसलों को या जो आपकी पल्सेस हैं उसको नुकसान करता है। तो ये 4 बार टोटल मॉल्टिंग शो करता है और 2 से 3 हफ्ते के अंदर, मतलब 15 से 20 दिनों के अंदर पूर्ण जो अपने कंप्लीट डेवलप हो जाता है उसके बाद प्यूपा में चेंज हो जाता है। तो कितने मॉल्ट करेगा ये, 4 मॉल्ट और डे 15 से 20 डे लगा लो, 15 से 20 दिन के अंदर किसमें चेंज हो जाएगा, प्यूपा में। और प्यूपा आपको पता है कि प्यूपा कैसी फेज होती है, इनएक्टिव फेज होती है, इसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल होती नहीं है। अब प्यूपा के अंदर मेन जो आप पढ़ोगे कि प्यूपा कितने दिनों में एडल्ट में चेंज हो जाता है। देखो इसका विंटर और समर का टाइम अलग अलग रहता है। अगर इसको अनुकूल जो अडेप्टेटिव इन्वायरमेंट मिलता है तो ये 4 दिन के अंदर ही प्यूपा से एडल्ट में चेंज हो जाता है, और अगर इसको अडेप्टेटिव इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो 28 या 31 महीने का टाइम भी लग जाता है सर्दियों के अंदर, कि 28 दिन के बाद या 30 दिन के बाद ये एडल्ट के अंदर चेंज होगा। इसके बाद क्या है, प्यूपा से क्या बाहर आएगा, प्यूपा से एडल्ट आएंगे। अब एडल्ट के अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि जो इसका एडल्ट है ये एगलिंग का काम करता है कि कितने दिनों के बाद, जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया है कि 2 से 4 दिन का टाइम आप लिख सकते हो कि कॉपुलेशन करते हैं, 2 से 4 दिन के बाद ये फीमेल जो एगलिंग का काम करती है, और एगलिंग कहाँ करती है वो भी आप इसी के अंदर भी लिख सकते हो कि फीमेल सीड के ऊपर अंडे देने का काम करती है और एक एडहेसिव लिक्विड छोड़ती है जिससे जो उसके अंडे होते हैं या एग होते हैं जो वो सीड के ऊपर चिपक जाते हैं। ये चीज़ें हो जाएंगी। अब इसके एक एंटीनी की बात करते हैं कि इसके एंटीनी कैसे पाए जाते हैं। तो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, कंगाकार एंटीनी पाए जाते हैं इसके अंदर। वही 2 जोड़ी पंख होंगे इंसेक्टा का जो करैक्टर होता है, 3 जोड़ी टांगे होती हैं या लेग्स 3 पेयर पाई जाती हैं, और ये 3 से 4 दिन के बाद एगलिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इसके लाइफ साइकिल के बारे में मेन मेन चीज़ें होगी जो आपको PDF में इसकी डिटेल मिल जाएगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद अपने इसका लास्ट में लाइफ साइकिल ड्रॉ करते हैं। एग से ग्रब, ग्रब से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट, एडल्ट से फिर एग। एग से ग्रब का जो टाइम है उससे पहले अपने एडल्ट से एग का टाइम देखते हैं, 3 से 4 दिन। अंडों से ग्रब मतलब एग की जो हैचिंग लिखी थी आपने, हैचिंग कितने दिन में हो जाती है, 4 से 5 दिन के अंदर हो जाएगी। अब ग्रब से जो प्यूपा है वो कितने दिन के अंदर, मतलब ग्रब है वो प्यूपा के अंदर जो चेंज होगा वो है 14 से 20 दिन, 15 से 20 दिन आपको लिखवाए थे मैंने,
2 से 3 वीक लग जाएंगे इसके अंदर। आप प्यूपा से एडल्ट है वो कितने दिनों के अंदर बनेंगे, तो प्यूपा से एडल्ट अभी आपने लिखा कि अगर उसको अडेप्टेटिव इन्वायरमेंट मिलता है तो वो इतने दिन में, अगर इसको अडेप्टेटिव इन्वायरमेंट नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल अगर विंटर की बात करते हैं तो 30 डेज। यहां पे समर लिख सकते हो। तो ये हो गया कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पूर्ण कायंत्रण है और समर के अंदर 25 से 30 डेज अगर इसको अडेप्टेटिव माना जाता है कि समर का जो है 25 से 30 डेज लगेंगे और उसमें 30 से 60 डेज। ये अपने पल्स बीटल अपना कंप्लीट होता है। बस मेन इसके अंदर एक ही बातें याद रखनी है कि अगर इसके अटैक की बात करें तो अटैक तो फरवरी और फेब के अंदर, फरवरी मार्च के अंदर ही एगलिंग का काम कर देते हैं, जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जो सुप्तावस्था में बैठे होते हैं इंसेक्ट, वो जब एडल्ट के अंदर आते खड़ी क्रॉप के ऊपर ही अंडे देने का काम कर देते हैं। लेकिन अगर आप स्टोर जो आपने करके रखे हैं अगर उनकी बात की जाए तो इनका सबसे ज़्यादा जो अटैक देखने को मिलता है वो आपको पीडीएफ के अंदर भी मैंने बता दिया गया है कि दोनों चीज़ें आपको पीडीएफ के अंदर मिलेंगी कि स्टार्टिंग में एगलिंग का जो काम होगा वो स्टार्ट कर दिया जाएगा फरवरी मार्च के अंदर ही, और सितंबर के महीने में कि जुलाई से सितंबर के महीने में इनका अटैक है जो वो ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इसके अडेप्टेटिव इन्वायरमेंट मिल जाता है जुलाई से सितंबर में। तो बाकी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो अपने जूम क्लास जो लगेगी उसके अंदर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।